कल्पना कीजिए एक दुनिया जहां आपकी सबसे कीमती चीज़ आपकी मेमोरी यानी स्मृति आपसे छीन ली जाए। चाइना और रशिया इसके गोपनीय ढंग से उपयोग करते हैं किसी विद्रोही को बीच में से हटाने के लिए। अब विज्ञान आपकी सभी स्मृतियां पहुंच सकता है और फिर आपको आसानी से किसी भी नई विचारधारा में परिवर्तित किया जा सकता है। ये तकनीक अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है और हर सरकार इसके रहस्य से परिचित है। भौतिक हिंसा के बजाय जल्दी सबसे बड़ा खतरा मानसिक हिंसा बनने जा रहा है। आपको किसी व्यक्ति को मारने की जरूरत नहीं है, बस उसकी कुछ विशिष्ट स्मृतियों को नष्ट कर दें। ये खतरा एटम बम से भी अधिक गंभीर है क्योंकि इसके माध्यम से मनुष्य की आत्मा को गुलाम बनाया जा सकता है। लेकिन जीसस या बुद्ध के साथ वे सफल नहीं हो सकते क्योंकि वे पहले से ही स्मृति से अनजान है। स्मृति को नष्ट करने पर कुछ वास्तव में खोया नहीं जाता क्योंकि वह अपनी चेतना में जीते हैं, ना कि उनकी स्मृतियों में। तुम्हारी चेतना स्मृतियों से अलग नहीं है, इसलिए यदि तुम्हारी स्मृति नष्ट हो जाती है तो चेतना भी नष्ट हो जाती है। तुम स्मृतियों के बिना काम करना नहीं जानते, इसलिए नई पीढ़ी के लिए आने वाली दुनिया में ध्यान एक अनिवार्यता है। केवल यही तुम्हें राजनीतिक तानाशाही से बचा सकती है। ये आज के समय का सबसे बड़ा खतरा है और दुनिया भर की सरकारें इसका उपयोग बहुत ही गोपनीय ढंग से कर रही हैं। तो इस खतरे से अपने को कैसे बचा सकते हैं, वह है ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम अपनी चेतना को मजबूत कर सकते हैं, अपनी आत्म साक्षात्कार को गहराई से अनुभव कर सकते हैं और अपने मन को उन सभी भारी प्रभावों से मुक्त रख सकते हैं जो हमारी स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास करते हैं। सिर्फ ध्यान ही है जो तुम्हें इस खतरे से बचाता है और तुम्हारी चेतना में स्थापित करता है।